भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन ऐप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर गेम गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। इसमें ज्यादातर ऐप्स चाइनीज है। हालांकि ये गेम इसका डेवलपर चीन से नहीं सिंगापुर से है। Wake up to reality. स्पोर्ट्स का आगाज हो रहा है और प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का न केवल सेंटर बनेंगे बल्कि ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट करेंगे। इसके लिए आज सिंगापुर की कंपनी गैरिना है, उसके साथ आज मुझे पता था अनुमान हुआ है। ये गैरिना कंपनी योटो डेटा सेंटर के साथ ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उन्होंने अपना डेटा सेंटर बना लिया और देश का पहला इतना बड़ा डेटा सेंटर था जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीता। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर में ई स्पोर्ट्स की सुविधाएं देंगे, ई स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, ई स्पोर्ट्स का सेंटर बनाएंगे जहां जिसके माध्यम से प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है होगा। आप जैसे जानते हैं कि जो फिजिकल गेम्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के जो खेल हैं उनका भी अभी बहुत अच्छा भविष्य आगे आ रहा है और देश में दुनिया में टूर्नामेंट इसके आयोजित होते हैं जिनमें कि जो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। और ये कंपनी 2023 में उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराएगी और योटो डाटा सेंटर जो हीरानंदानी ग्रुप का ग्रेटर नोएडा में चल रहा है उनके साथ मिलकर वहाँ पर ई डाटा सेंटर।